नमस्कार, nishamadhurima.com में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट कपकेक। चॉकलेट कपकेक मुझे बहुत पसंद है। आज हम एक कपकेक बिना ओवन, बिना अंडा और बिना कंडेंस मिल्क के बनाने वाले हैं। ये कपकेक हम कुकर में बनाएंगे। आज हम आपके साथ कपकेक्स बनाने की एकदम आसान रेसिपी शेयर करने वाले हैं, वो भी घर पर रखी हुई चीजों के साथ आप इतना सुंदर कपकेक बना पाएंगे। तो चलिए स्वाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी स्वादिष्ट चॉकलेट कपकेक्स। हम कुकर को प्रीहीट करेंगे, इसमें 1.5 कप नमक डाल देंगे। इस तरह से नमक डाल देना है, बार बार आप वही नमक यूज कर सकते हैं। इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे स्पून या स्पैचुला से। इस तरह से इसमें जाली स्टैंड रखेंगे। अभी हम कुकर के ढक्कन की सीटी निकालेंगे, इसका गैसकेट नहीं निकालेंगे हम। इसे बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। जब तक कुकर प्रीहीट होता है, हम केक का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। हमने एक बाउल पर एक छलनी रख दी है, इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। अभी इसमें हम 1/4 कप सूजी डाल देंगे, 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप इसकी जगह आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। अगर थोड़ा मीठा केक पसंद हो तो थोड़ी चीनी और ले सकते हैं। इसमें अभी हम 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। चम्मच से नापकर आपको बेकिंग पाउडर डालना है। अभी इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे हम। हमने यहाँ हर्शीज ब्रांड का कोकोआ पाउडर ले लिया है, इसे 3 बड़े चम्मच डालेंगे। आप चाहे तो कोई और भी ब्रांड का कोकोआ पाउडर यूज कर सकते हैं। इसे स्पून या स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने से सारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये अच्छे से छान चुका है। अभी इसमें हम वैनिला एसेंस डालेंगे। हम 1 बड़ा चम्मच वैनिला एसेंस डाल देंगे। इसमें हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। 1 कप दूध लेंगे हम। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा दूध डाल दिया हमने, इसे विक्स की हेल्प से ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत धीरे धीरे हमें मिक्स करना है इसे। अभी थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, फिर से इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए, इसे बहुत धीरे धीरे हमें मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। हमने इसमें सूजी डाली है, इसलिए ये थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी फूल जाएगी। थोड़ा सा दूध बच गया है 1 कप में से, इसे हम साइड में रख देंगे। इस बैटर को ढक देंगे और ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि जो सूजी है वो फूल जाए। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। हम ढक्कन को हटाएंगे और इसे चेक करेंगे। देखिए, बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, सूजी इसमें फूल चुकी है। इसमें अभी हम जो बचा हुआ दूध है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि इसे बहुत हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। अगर हम इसे बहुत ज़ोर से फेंटेंगे तो ये केक हमारा हार्ड बनेगा। इसमें अभी हम चोको चिप्स डालेंगे। थोड़े से चोको चिप्स हमें डालना है। आप इसकी जगह चॉकलेट थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। थोड़े से व्हाइट चोको चिप्स हमने डाल दिए हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं चोको चिप्स। इसे मिक्स कर देंगे। अभी हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है। हमने एल्यूमिनियम के लाइनर्स ले लिए हैं, इसे अरेंज कर देंगे। हमें इसमें अभी ये पेपर कप्स रखना है। अगर आप ये माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली आप पेपर कप में बना सकते हैं या लाइनर्स में बना सकते हैं। इसमें केक का बैटर डालेंगे। हम इन्हें आधा आधा भरेंगे, क्योंकि ये केक बहुत फूल जाएगा, इसलिए हमें इसके फूलने की जगह रखना है। इस तरह से हमने सारे कप भर लिए हैं। इसे अभी हम थोड़ा सा टैप करेंगे, ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे। सारे हम कप्स को इसी तरह से टैप करके इसके एयर बबल्स निकाल लेंगे। सारे कप में से अभी हमने एयर बबल्स निकाल लिए हैं। अभी हमें चोको चिप्स लेंगे। ब्लैक और व्हाइट चोको चिप्स हमने मिक्स कर लिए हैं। इन्हें हम अभी कप के ऊपर डाल देंगे, थोड़े थोड़े डालेंगे हम। अगर आपके पास चोको चिप्स ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा चॉकलेट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमारे कप्स रेडी है कुकर में जाने के लिए। कुकर प्रीहीट हो चुका है, कुकर को खोलेंगे। इसमें अभी हम 1 प्लेट रख देंगे, इसमें अभी हम 1 कप्स रख देंगे। सारे कपकेक्स हमने कुकर में रख दिए हैं। अभी कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, कुकर का ढक्कन खोलेंगे। देखिए, अभी ये कपकेक अच्छे से पक चुके हैं। इनमें हम टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है। अभी हम सारे इसमें टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। अगर टूथपिक में केक का बैटर लगकर आता है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से नहीं पका है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे 5 मिनट और पका लीजिए। सारे कपकेक्स अच्छे से पक चुके हैं, इन्हें हम अभी बाहर निकाल लेंगे। काफी गर्म है ये, इसलिए हम ये पकड़ से इन्हें बाहर निकालेंगे, या फिर आप कोई मोटा टॉवल ले सकते हैं। सावधानी से निकालना है इन्हें बाहर। सारे कपकेक्स अभी हमने बाहर निकाल लिए हैं। इसी तरह से अभी हम सेकेंड बैच के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सारे कपकेक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, कपकेक्स अभी ठंडे हो चुके हैं। हमने 1/2 कप व्हिप क्रीम ले ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। इसे अच्छे से बीट कर देंगे। हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करेंगे। हम टोटल 5 से 6 मिनट के लिए इसे बीट करेंगे, जब तक इसके स्टिफ पीक्स ना निकले। देखिए, अभी ये क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। क्रीम व्हिप करने का वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। हम इसके लिए स्टार नोजल यूज करेंगे। हमने नूर का स्टार N1 नोजल लिया है।
हमने पैकिंग बैग में अच्छे से सेट कर दिया है। इसमें अभी हम ये व्हाइट क्रीम डालेंगे। हमें एक ग्लास के ऊपर इस तरह से पैकिंग बैग रखना है और इसमें ये क्रीम भरना है। इसे अच्छे से पैक कर देना है। लीजिए, बनके तैयार है हमारा व्हाइट क्रीम। बची हुई व्हाइट क्रीम में हम ये जेल कलर डालेंगे। इसकी दो बूंदे हम डाल देंगे रेड कलर की। इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी हमारी रेड क्रीम भी बनकर तैयार हो गई है। हम फिर से एक पाइपिंग बैग लेंगे। इसमें हम ये स्टार नोजल डालेंगे। इसे एक ग्लास में लगाएंगे इस तरह से और इसमें ये क्रीम भर देंगे। अभी हमारी रेड क्रीम भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कपकेक कितना स्पॉन्जी बना है। इसके ऊपर अभी हम क्रीम लगा देंगे। इस तरह से घुमाते हुए हमें डालना है और इसे अभी छोड़ देना है। देखिए इस तरह से बहुत प्यारा डिजाइन बन रहा है। अभी हम व्हाइट डिजाइन बनाएंगे। इसी तरह से इसे घुमाएंगे और बस छोड़ देंगे। इसी तरह से फटाफट सारे कपकेक्स पर हमें डिजाइन बना लेना है। सारे केक्स पर अभी हमने क्रीम लगा दी है। इस पर अभी हमने चॉकलेट स्प्रिंकल डालेंगे। बहुत सुंदर लगता है ये स्प्रिंकल डालने से ये केक्स। देखिए इस तरह से। लीजिए बनके तैयार है हमारे चॉकलेट कपकेक्स। बहुत प्यारे ये कपकेक्स बने हैं और बहुत टेस्टी भी बने हैं। चलिए अभी इस कपकेक को हम कट करते हैं। देखिए कितना स्मूथली कट रहा है। ये बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत टेस्टी भी बना है। इसका एक और बाइट लेंगे हम। बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी बना है, यम्मी। आप इस कपकेक की रेसिपी को जरूर बनाकर देखिए और आपके कपकेक्स कैसे बने हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस टेस्टी रेसिपी को शेयर कीजिए। इसी तरह से मजेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। साथ में जो बेल का बटन दिया है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपी की जानकारी आपको तुरंत मिल पाए। आप हमारी अभी तक की सारी रेसिपीज को हमारी वेबसाइट nishamadhurima.com पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।